हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चंस। द क्वेश्चन सेज दैट एन एनिमल्स हैविंग डिप्लोब्लास्टिक एसेलोमेट कंडीशंस। क्वेश्चंस कह रहा है कि एक एनिमल जो डिप्लोब्लास्टिक एसेलोमेटिक कंडीशन होता है। ऑप्शन ए स्केरियसिस, ऑप्शन बी सी एनिमोन, एंड ऑप्शन सी प्लेनेरिया, एंड ऑप्शन डी पेरीप्लेनेटा। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन के लिए की कॉन्सेप्ट समझते हैं, और जो हमारा की कॉन्सेप्ट है उसके बारे में बात करें। हमारा की कॉन्सेप्ट है डिप्लो ब्लास्टिक एसिलोमिक, डिप्लो ब्लास्टिक एसिलोमिक। तो सबसे पहले डिप्लो ब्लास्टिक एसिलोमिक को हम लोग समझेंगे, डिप्लो ब्लास्टिक और एसिलोमिक। तो जो डिप्लो ब्लास्टिक है उसके बारे में हम बात करें, तो डिप्लोब्लास्टिक के अंदर ऐसा एनिमल्स जिसके अंदर सेल्स ना दो अरेंज में क्या होता है, दो जर्म लेयर में अरेंज होता है। तो बोल सकते हैं सेल्स आर अरेंज्ड इन टू जर्म लेयर, दो जर्म लेयर में सेल्स अरेंज होता है। जैसे सबसे पहला कि वो जो जर्म्स लेयर है, आउटर साइड क्या होता है, इक्टोडर्म होता है। आउटर साइड इज इक्टोडर्म, और जो अंडर साइड होता है वो एंडोडर्म होता है। और इसके बीच में क्या होता है, मीजोडर्म्स जो होता है वो अब्सेंट होता है, और मीजोडर्म्स आर अब्सेंट। मीजोडर्म्स इसके अंदर कैसा हो गया, अब्सेंट हो गया। यानी दो डिप्लोब्लास्टिक है, दो ही जर्म्स लेयर है, इक्टोडर्म एंड एंडोडर्म्स। ऐसे ही एसिलोमिक की बात करेंगे तो क्या होता है, एक कैविटी होता है। कैविटी प्रेजेंट होता है किसके बीच, बॉडी वॉल और गट के बीच। अगर कैविटी प्रेजेंट हो तो सिलोमेट है, अगर नहीं है तो एसिलोमेट है। तो एनिमल इन विच बॉडी कैविटी आर एब्सेंट, एनिमल्स इन विच बॉडी कैविटी से कहना अच्छा होगा, कैविटी, एनिमल्स एनिमल्स इन विच कैविटी कैविटी एज अब्सेंट बिटवीन बिटवीन बॉडी वॉल एंड गट, बॉडी वॉल एंड गट के बीच में क्या हो, कैविटी अब्सेंट हो, उसको बोलते हैं एसिलोमेट। तो सबसे पहले अगर डिप्लोब्लास्टिक की बात करेंगे तो डिप्लोब्लास्टिक किसके किसके अंदर होता है, डिप्लोब्लास्टिक सिलेंट्रेटा और टीनोफोर के अंदर होता है। सिलेंट्रेट्स और किसके अंदर, टीनोफोरा के अंदर क्या होता है, या टीनोफोर्स के अंदर क्या होता है, डिप्लोब्लास्ट होता है, डिप्लोब्लास्टिक होता है। नेक्स्ट अगर बात करें उस एसिलोमिक जो है वो पॉरीफेरा से लेकर सारे ऑर्गेनिज्म के अंदर, पॉरीफेरा सिलेंट्रेटा टीनोफोरा प्लेटीहेलमेंथिस, यानी पॉरीफेरा टू प्लेटीहेलमेंथिस सारे में क्या होते हैं, एसिलोमेट होते हैं। तो हम एस्केरेसिस की बात करें तो एस्केरेसिस नीमोटोडा है, नीमोटोडा या अस्कल हेलमेंथिस। ऐसे ही प्लेनेरिया क्या है, प्लेनेरिया प्लेटी हेलमेंथिस। नेक्स्ट सी एनिमोन की बात करें तो ये सेलेंट्रेट्स है, और पेरीप्लेनेटा आर्थ्रोपोडा के अंदर आता है। तो जो देख रहे होंगे कि सिलेंट्रेट्स और सिलेंट्रेट या टीनोफोरा ही क्या हो सकता है, डिप्लोब्लास्टिक एसिलोमिक हो सकता है अकॉर्डिंग टू ऑप्शंस। तो ऑप्शंस में देखते हैं, सिलेंट्रेट्स एक ही है, सी एनिमोन। सो हमारा जो फाइनल आंसर होगा, फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शंस नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज आवर फाइनल आंसर। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।